आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आप जंतर मंतर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कई दिनों से खिलाड़ी बैठे हुए। बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए है, वो खिलाड़ियों को जो उनका वक्त अभ्यास करने का है, ट्रेनिंग करने का है, आगे उनको और बहुत चीजें देश के लिए हासिल करनी है, उसे अलग हटके सड़क पर बैठने को खिलाड़ी मजबूर हैं। 3 महीने पहले भी इन तमाम विषयों को लेकर वो आए थे, सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, ऐसी कोई बात उनसे छुपी नहीं है। और अगर यौन शोषण में भी 2013 के इतने सख्त कानून बनने के बाद जो ये स्पष्ट प्रावधान है, कोर्ट के फैसलों के पुराने फैसलों को आप देखेंगे तो स्पष्ट प्रावधान है कि FIR लिखी जाएगी। इस देश में कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं जो रोक सके, लेकिन अभी भी FIR तक दर्ज नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आपको लगता है कि कार्रवाई सरकार को जल्द? कानूनी प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है कि आप FIR तो दर्ज कीजिए। कोई अगर वर्बली या लिखित में शिकायत देता है तो कोई पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान कानून में है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट तक सॉलिसिटर जनरल, जो सेकेंड मोस्ट सीनियर लीगल ऑफिसर होते हैं सरकार के, वह सरकार का बचाव कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह का बचाव कर रहे हैं, खिलाड़ियों का बचाव कौन करेगा? आपको लगता है इस्तीफा लेना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह से? देखिए, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई उनसे कुछ नहीं है, लेकिन जब इतने संगीन उनके खिलाफ जो है आरोप लग रहे हैं, सवाल सिर्फ कुश्ती संघ का नहीं है, यौन शोषण का सवाल अगर कोई आरोप लगा रहा है तो बड़े गंभीरता से उसे लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर जयंत चौधरी जो जंतर मंतर पहुंच रहे खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए, रविवार से खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।